जिंदाबाद नगर पालिको जिंदाबाद नगर पालिको जिंदाबाद दीदी तुमसे बैर नहीं दीदी तुमसे बैर नहीं दीदी तुमसे बैर नहीं नगर पालिको जिंदाबाद सीओ में एक काम करो थोड़ी बैर करो 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 सीओ में एक काम करो बातें किसी को बताओ। शिवपुरी नगर पालिका में आज वार्ड नंबर 36 के पार्षद एमडी गुर्जर सहित वार्डवासी पहुंचे, जहां उन्होंने सीएमओ के रवैये पर कई तरह के सवाल उठाए हैं। साथ ही फोन न उठाने के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा है। एमडी गुर्जर सहित वार्डवासियों ने नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा के समर्थन में नारे लगाते हुए कहा कि दीदी तुमसे बैर नहीं, सीएमओ की खैर नहीं। साथ ही एक और नारा लगाया, सीएमओ तुम एक काम करो, चूड़ी पहनकर काम करो। जानकारी के अनुसार एमडी गुर्जर पार्षद वार्ड नंबर 36 ने सीएमओ शैलेश अवस्थी को एक आवेदन सौंपकर कई मांगे रखी है। पार्षद एमडी गुर्जर ने बताया कि वार्ड नंबर 36 सबसे बड़ा और पिछड़ा वार्ड है। यहां गंदगी का अंबार लगा रहता है, गलियों में सड़कें नहीं हैं, कचरे के ढेर लगे हुए हैं। इतने बड़े वार्ड में 4 सफाई कर्मी तैनात है, जिसके चलते साफ सफाई नहीं हो पाती है। साथ ही पानी के टैंकर भी नहीं पहुंच पाते हैं। आदिवासी और गरीब बस्ती में पानी का संकट बना हुआ है, लोग पानी की बूंद बूंद के लिए मोहताज है। वहीं बरसात में भी सभी गलियां खराब हो जाती है, उस पर ना ही मुरम डाली गई है और ना ही गड्ढों का भराव किया गया है, जिसके चलते लगातार हादसे होती रहती हैं। पार्षद एमडी गुर्जर ने बताया कि इन सभी समस्याओं को लेकर सीएमओ से संपर्क करना चाहा तो उनका फोन नहीं उठाया। गुर्जर ने बताया कि इस तरह वार्ड की उपेक्षा की गई तो वार्डवासियों में असंतोष की भावना पैदा होगी और इसका असर वार्ड की शांति व्यवस्था पर पड़ेगा। वहीं वार्ड नंबर 36 की करौदी की रहने वाली वृद्ध मरीना कहा कि अगर सीएमओ सुनवाई नहीं करती है तो नगर पालिका में आकर ही दम तोड़ दूंगी। आपका लक्ष्मी भाई कहाँ से आई हो? करौनी से। कई को आई हो? पानी नहीं है। क्यों? सड़क नहीं है, खम्मा नहीं है और नाली नहीं है, कछु नहीं है खम्भों पे। तो फिर तुम अभी सीएमओ से मिली थी, सीएमओ से मिली थी तो क्या बात कही सीएमओ ने? बिना सीएम ने कहा कि हाँ धीरे धीरे सब हो जाओ, तो कब होगा? जब हम मच जाएंगे, जब होगा? पानी पिएगा एक एक कट्टी का पता 2-2 रुपये ले रहे हैं, तई कहाँ से भेजा है तई? अच्छा तो कहाँ से भर रही है 2-2 रुपये में? बगल में से, प्राइवेट बोर्ड से। सरकारी पानी नहीं पहुँच रहा? बिल्कुल नहीं पहुँचे। जो बाकी मणि केड़ा की लाइन आई है वहाँ तो कुछ नहीं आ रहा, 10 दिन होगा पानी नहीं आ रहा। पार्सल से कहते पार्सल से हम काटेंगे, तई 10 दिन पार्सल का कहते पार्सल का कहाँ तक भेजाओगे बेचारा? बाकी का घर में जेब में पैसे धरे, नगर पालिका वाले तो दे नहीं रहे, ठीक है? हाँ ये आप किस वार्ड से आए हैं और क्या समस्याएं लेके आए हैं? मैं वार्ड क्रमांक 36 से आया हूँ और मेरे वार्ड की काफ़ी समस्याएं हैं। मेरे वार्ड को गांव की दृष्टि देखा जाता है, विकास के तौर पर हमेशा पीछे छोड़ा जाता है। जब भी कोई विकास की बात आती है तो गांव के समीकर से देख कर उन्हें छोड़ दिया जाता है। पानी की समस्या आज काफ़ी 10 दिन से है, गरीब लोग हैं, टैंकर नहीं है और टैंकर लाएंगे भी तो 300 रुपये रोज कमाते हैं, पानी टैंकर कहाँ से डलवाएंगे? मेरे वार्ड में आज तक कचरा गाड़ी नहीं जाती है, सफाई कर्मी 4 हैं, 4800 की वोल्टिंग में सफाई कर्मी 4 क्या सफाई कर पाएंगे वार्ड? और उनका भी समस्या है, नाली चौक डली है, अभी तक कोई गैंग नहीं गई है, कोई झाड़ू वाले झाड़ू नहीं लगाती है। उनसे 2 बार बोल दिया है कि मेरे कर्मचारी बढ़वाने की कोशिश कर रहे हैं, बोल देते हैं हाँ आगे बढ़वा रहे हैं, कल बढ़वा रहे हैं। सीएमओ साहब फोन नहीं उठाते हैं। काफ़ी बार समस्या को मैंने 2 बार सूचना भी कर दी, सीएमओ साहब पानी नहीं जा रहा है, लोगों के पास पानी नहीं पहुँच रहा है, कचरा गाड़ी नहीं आ रही, कच्चा वार्ड है और मेरा पूरा कच्चा वार्ड होने के कारण मैंने 2 बार आवेदन दे दिया कि इसमें कत्तल मुरम डलवाई जाए, मरम डलवा के इनको भरपाई कर दिया, रोडों को सड़कों जितने लोगों तरह ढांचे बचे। अभी तक कोई सुनवाई नहीं है, सारी समस्याओं को लेकर सीएमओ साहब ने आश्वासन दिया कि जल्दी जल्दी लेटर पे आप जो आवेदन दिया उसके जल्दी कार्रवाई अगर